मुंडका अग्निकांड के चश्मदीद और बिल्डिंग में फंसे लोगों के रेस्क्यू में शामिल इस शख्स के मुताबिक सीढ़ियों पर आग लगने की वजह से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था, जिसके बाद खिड़कियों के शीशे तोड़कर कई लोगों की जान बचाई गई। निकलने का रास्ता ऑब्वियसली बंद हो गया सीढ़ियों पर आग लगने से, आग बहुत ज़्यादा थी तो सभी को खिड़की से और ये बाहर के आप जो शीशे देख पा रहे हैं ये तोड़ तोड़ के निकाला गया है। हादसे के वक्त बिल्डिंग में हर तरफ आग की लपटें और धुएं का गुबार फैला था। ऊपरी मंजिल पर फंसे लोग रास्ते पर चल रहे राहगीरों से जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। एक चश्मदीद ने बताया कि घटना के वक्त हालात बेहद भयावह थे। लोग यहाँ पे खड़े खड़े चिल्ला रहे थे, फिर यहाँ पे तीन सीढ़ियाँ लगाई गई थी, यहाँ से वैसे अंदर बिल्कुल काला धुआं था, ठीक है, पता भी नहीं लग रहा था कोई अंदर है या नहीं है, बट फ्रंट था ना, जो फ्रंट पे दिखाई दे रहे थे लोग की बहुत लोग। मुंडका में लगी आग की चपेट में आए लोगों के परिजन काफी देर तक अपनों की तलाश में भटकते दिखे। पंकज नाम के इस शख्स का भाई भी यहां काम करता था। कई घंटों की तलाश के बाद भी इनके भाई का जब कुछ पता नहीं चला तो इन्होंने हॉस्पिटल के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। नहीं रहा कुछ भी, अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि कब पता चले कैसे, और बाकी हमने हॉस्पिटलों में भी फ्रेंड वगैरह को भेज दिया पता करने के लिए, यहाँ तक एम्स तक हमने भेज दिया बंदों को। हाथों में मोबाइल और मोबाइल में अपनों की फोटो दिखाते हुए परेशान परिजन घटना स्थल और हॉस्पिटल के बीच चक्कर काटते रहे। मुस्कान के चाचा भी कई घंटों तक तलाश के बाद अपनी भतीजी के ना मिलने से परेशान दिखे। हम यह 5 बजे से परेशान है, जब से हमारे को पता लगा कि अभी यहाँ पे हादसा हो गया। कुछ लोगों ने यह बताया कि मुस्कान ऊपर से कूदी है, ठीक है जी, उसके बाद हमारे को कुछ भी नहीं पता लगा। अपने रोजमर्रा के कामों से जुटे परिजनों को जैसे ही जिस दर्दनाक घटना की जानकारी मिली वो फौरन सब कुछ छोड़कर अपनों की तलाश में दौड़ पड़े। यहाँ काम करने वाली यशोदा के मामा भी अपनी भांजी की तलाश में भटकते दिखे। हम ड्यूटी से आए तो बोले कि घर पे रो कर रहे थे तो मैं आके देखा तो बोले कि भांजी के घर फैक्ट्री में आग लग गई है, जो जाओ कैमरे वाला में, तो वहाँ हॉस्पिटल घूम के आए तो नहीं कहीं मिले, अस्पताल में जानकारी नहीं मिली। हादसे के बाद अंदर फंसे लोगों ने अपने करीबियों से मोबाइल के जरिए संपर्क करने की कोशिश की। इस शख्स ने दावा किया है कि इनकी आंटी ने आग लगने के बाद इमारत के भीतर से इनको फोन करके कहा कि आज जान बचना मुश्किल है। मेरी जो आंटी लगती थी उन्होंने मेरे को ये बोला कि अभी तू मुझे फ़ोन मत कर, यहाँ पे जान बचानी मुश्किल हो रही है, आग लग गई है और हम कम से कम 100 लोग फंसे हुए हैं। मुंडका अग्निकांड का शिकार हुए लोगों के परिजन प्रशासन से काफी नाराज दिखे। कई गुस्साए परिजनों ने आरोप लगाया कि वो हादसे के वक्त घटना स्थल पर पहुंच गए थे लेकिन प्रशासन ने उन्हें मदद नहीं करने दी और हॉस्पिटल में एडमिट घायलों की भी कोई जानकारी नहीं दी। हम मौके पे वहाँ पहुंचे थे, मेरी सिस्टर वहाँ, ठीक है, प्रशासन ने वादा नहीं दिया, हम हेल्प करके वहाँ उतारते, दर्द था, अभी भी फोन चालू है ना, कोई मीडिया के माध्यम तक कोई हॉस्पिटल हमारे पास कंफर्म कर दो। पुलिस प्रशासन की ओर से घंटों तक कोई जानकारी न मिलने पर गुस्साए परिजन संजय गांधी हॉस्पिटल के भीतर जबरदस्ती घुस गए लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिलने पर भड़क गए। ये लोग बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या जानकारी दी जा रही है? हमें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, रेफर कर दिया, कहाँ रेफर किया ये बताओ हमें, ना वहाँ बता रहे ना यहाँ बता रहे। आपकी बहन, उनका नाम क्या था? मोहिनी नाम है मेरी सिस्टर का। अपनी बेटी की जानकारी ना मिलने पर तान्या की परेशान माँ फूट फूट कर रो पड़ी। इनका कहना है कि फायर ब्रिगेड ने उनकी बेटी को रेस्क्यू किया लेकिन उसको कहाँ एडमिट किया है ये बताने वाला कोई नहीं है। इनकी बहन और मेरी बेटी इकट्ठी एक जगह थे, हम वो दोनों क्रेन से उतारा है, कहाँ गई है कहाँ नहीं गई बता नहीं रहे कोई भी हमें, ना वहाँ पता चल रहा है ना यहाँ पता चल रहा है हमको। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।